विद्या भारती संस्कृत शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा उत्तमा। इसमें ये मातृभूमि भारत 16 नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम ये भी 16 मार्क्स। संस्कारों की पावन परंपरा ये भी 16 मार्क्स। हमारा गौरवशाली इतिहास ये 10 मार्क्स। भारतीय विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा 12 मार्क्स। सामान्य ज्ञान 16 मार्क्स। हमारे राष्ट्रनायक 14 मार्क्स। हमारे राष्ट्र निर्माता आचार्य श्री महाप्रज्ञ इस प्रकार से इसमें से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दादा साहब फाल्के इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ मेन पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए हैं, उनके आधार पर प्रश्न बनाए हैं। हमारे राष्ट्र निर्माता अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। दूसरा है जैन धर्म संघ 13 पंथ के 10वें अधिष्ठाता कौन हुए। थर्ड क्वेश्चन है साधक जगत में प्रेक्षा ध्यान किसका बहुमूल्य अवदान है। फोर्थ क्वेश्चन किसका मानना है कि केवल अर्थव्यवस्था को बदलने पर भी यदि व्यक्ति में परिवर्तन न हो तो समाज रोगी हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन अधिकतम भोग की प्रवृत्ति ने किसको जन्म दिया है। सिक्स आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने समाज की रुग्णता दूर करने के क्या उपाय बताए हैं। क्वेश्चन सेवन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म शताब्दी वर्ष किस रूप में मनाया जा रहा है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था। दादा साहब फाल्के का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन 10 दादा साहब फाल्के ने किसकी लिथोग्राफी प्रेस में कार्य किया। 11 दादा साहब फाल्के के जीवन में परिवर्तन का कारण कौन सी फिल्म बनी। 12 दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण कला किससे सीखी। 13 दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फिल्म कब और कौन सी बनाई। भस्मासुर मोहिनी नामक फिल्म किसने बनाई। हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना कब और किसने की। 16 भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की। 17 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है। 18 दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। 19 1919 के अंत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। 20 भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब और किसने की।
हाँ, इन प्रश्नों के आंसर। आर्यव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आचार्य श्री तुलसी। जैन धर्म संघ 13 पंथ के 10वें अधिष्ठाता कौन हुए? आचार्य श्री महाप्रज्ञ। साधक जगत में प्रेक्षा ध्यान किसका बहुमूल्य अवदान है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। किसका मानना है कि केवल अर्थव्यवस्था को बदलने पर भी यदि व्यक्ति में परिवर्तन न हो तो समाज रोगी हो जाता है? आंसर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। क्वेश्चन 5। अधिकतम भोग की प्रवृत्ति ने किसको जन्म दिया है? आंसर अति तृष्णा को। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने समाज की रुग्णता को दूर करने के क्या उपाय बताए हैं? इसमें अहम का परिष्कार, परस्परता का दृष्टिकोण, संयमित जीवन, निःश्रयवाद, न्यासी भाव या ट्रस्टीशिप। 7। क्वेश्चन 7। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म शताब्दी वर्ष किस रूप में मनाया जा रहा है? ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में। ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में। क्वेश्चन 8। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। क्वेश्चन 9। दादा साहब फाल्के का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 30 अप्रैल 1970 को त्र्यंबक महाराष्ट्र में दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था। दादा साहब फाल्के ने किसकी लिथोग्राफी प्रेस में कार्य किया? प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की प्रेस में दादा साहब फाल्के ने कार्य किया। 11। दादा साहब फाल्के के जीवन में परिवर्तन का कारण कौन सी फिल्म बनी? 1910 में देखी गई एक मूक फिल्म द लाइफ ऑफ क्रस्ट। दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण कला किससे सीखी? ब्रिटिश फिल्मकार सिसिल हेपबर्थ से। 13। दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फिल्म कब और कौन सी बनाई? 1913 में राजा हरिश्चंद्र। भस्मासुर मोहिनी नामक फिल्म किसने बनाई? दादा साहब फाल्के ने। ये भी फिल्म 1913 में बनाई थी। 15। हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना कब और किसने की? 1917 में दादा साहब फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की। 16। भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की? सन 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। नेक्स्ट 17। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? सिनेमा जगत में या सिनेमा में विशेष योगदान के लिए फिल्मी हस्तियों को। ये पुरस्कार जो है फिल्मी हस्तियों को दिया जाता है विशेष योगदान के लिए। 18। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? आंसर 10 लाख रुपए। इसके साथ साथ और भी दिया जाता है सामान मटेरियल, तो ये नगद राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। 19। 1919 के अंत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर
आंसर विख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन को। 20, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब और किसने की? 23 जुलाई 1955 को श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर हैं। इसी प्रकार से और भी जो पार्ट है उनमें से सेलेक्ट करेंगे। धन्यवाद।